और अनिल जी आज का मैं नवरत्न एस आई पी स्टॉक ऑप से लूँ उससे पहले हमने सोचा एक बार जो पिछले साल के हमारे नवरत्न एस आई पी स्टॉक थे उसका एक बार रिक समझ लिया जाए दिलीप और पिछले साल हमने तीन तीन चीज हाँ हमने जो सात स्टॉक दिए थे सात स्टॉक की लिस्ट आपके सामने है और इन सात स्टॉक में किस तरह की कमाई हुई आप देख लीजिए आपके सामने आपको नजर आएगा इस वक्त ये सारे के सारे एसोसिएट एल्कोहल इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कैंप्स सेंचुरी एंका टेक्स मेकोरल अवंती फीड और कर्नाटक बैंक पिछले नवरात्रि से कल तक के रिटर्न अगर आप देखें तो सिर्फ एक स्टॉक ऐसे जिसमें नेगेटिव रिटर्न है और वो है अवंती फीड जाम आठ परसेंट नेगेटिव हमारी रिकमेंडेशन प्राइस से बाकी सारे स्टॉक ऊपर है अगर आपने सातों स्टॉक में बराबर बराबर पैसे लगाए होते हैं ठीक है तो आपको ऑन एन एवरेज अस्सी परसेंट रिटर्न आते थे पिछले साल से अब तक वाह ऑन एन एवरेज ठीक है और अगर जिस प्राइस से रिकमेंड किया और उस प्राइस से अगर हाई प्राइस जो पहुंची वहाँ से तो एक भी स्टॉक का रिटर्न नेगेटिव नहीं है और करीबन करीबन नाइनटी सेवन परसेंट ये है

एस आई पी स्टॉक्स में यही है दो दो तीन चीज़ें ये भी मैं तब बता रहा हूँ जिस प्राइस पर आपने खरीदा है जहाँ रिकमेंड किया है अगर नीचे में भी आए होंगे और नीचे में अगर आपने एस की जिस जो नाम ही एस है तो आपके रिटर्न किसी भी स्टॉक में निगेटिव हुई नहीं दे सकते, सकते। exactly. तो उल्टा और बेहतर ही हुए होंगे सो so, आज मैं जो स्टॉक देने जा रहा हूँ उससे आप एस की तरह देखें उसमें फॉर्मूला भी यही है जिस प्राइस पर रिकमेंड किया जा रहा है जरूरी आज का आज आप खरीदें आराम से खरीदें जब आपको ठीक लगे बाजार खराब हो ये पूरे साल भर में कभी भी खरीदने के लिए अभी के अभी खरीदने वाले है भी नहीं और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इनको ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल ना खरीदें खरीदेंगे हफ्ते दो हफ्ते के लिए लेना है इसको कम से कम एक से तीन साल के व्यू से लेना है और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोलना चाहता हूँ दीप हर दस परसेंट का फॉल आए तो आपको ऐड करना है ये आपकी ऐसे फॉर एग्जाम्पल तीन सौ रुपए का स्टॉक है दो सौ सत्तर हो तो ऐड करना है जी। दो सौ चालीस हो तो और ऐड करना है इस तरह से आप इंस्टॉलमेंट में ऐड कर लें तो क्या है कि मार्केट की के के मूड साथ कभी खराब हुआ भी तो आप वापस से उसमें एवरेज करके रिटर्न क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक अच्छे मार्केट के मूड के साथ ऊपर नीचे हो सकता है ये ध्यान रखें अब बताता हूँ मैं आज का स्टॉक आप बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक लेके आया आए और उसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स और ये एकदम नए जमाने की कंपनी है और इस कंपनी को आप एक, एक, मैप माई इंडिया इस तरह की कंपनियों के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो नए जमाने के बिजनेस अलग अपनी तरह के अपनी तरह की एकमात्र लिस्टेड कंपनी एक, एक तरह से आप कह सकते हैं आ, सब आ, बेसिकली डेटा एनालिसिस का काम करती जिसको आप, uh, है जिसको आप आम भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लें कोई भी बिजनेस है उसके लिए उसका डेटा लेकर उसका एनालिसिस करके उसको कॉस्ट सॉल्यूशन देना कि किस तरह से वो अपनी कॉस्ट मिनिमाइजेशन कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं और इस बिजनेस की जबरदस्त डिमांड है सबसे पहले बताऊँ क्यों पसंद है मेरे को दीप सबसे पहले पसंद होने की वजह यह है कि प्रोमोटर्स जो है बहुत ही गजब के प्रमोटर है ये प्रमोटर मैप में इंडिया एम टार टेक्नोलॉजी ऐसे प्रमोटर हैं मतलब क्लास मतलब आप ऐसी कंपनियां कम मिलेगी जिसमें किसी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं है राइट न कंपनी के अगेंस्ट में ना प्रोमोटर्स के अगेंस्ट में एक्सपीरियंस प्रोमोटर हैं ये बिजनेस को लंबे समय से जानते हैं सारे प्रोमोटर्स या तो आई से पढ़े हैं आई प्लस आई एम दोनों डिग्री ले लेकर प्रोमोटर्स बैठे हैं मतलब इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ये एक चीज है दूसरी चीज जो दे पाती है इसमें कि अब तक का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी मजबूत है इनका कंपनी लगातार बहुत अच्छी तरीक, तरीके से ग्रो कर रही है 306 करोड़ से की सेल्स जो इनकी रेवेन्यू थी 500 करोड़ के पार निकल चुका है 90 करोड़ का मुनाफा दो साल पहले था 155 करोड़ का हो चुका है और मेरा ये समझना है इसी ग्रोथ से अगर आप देखें तो आराम से कंपनी तीन से चार साल में हज़ार करोड़ के रेवेन्यू पर जा सकती है और तब आपके लगभग लगभग ढाई से तीन करोड़ का प्रॉफ़िट करेगी तो और उस लिहाज से देखें तो वैल्यूशन आपको बहुत आकर्षक नजर आएंगे अभी भी आपको अच्छा नजर आता हुआ दिखेगा तो ये आपके लिए दूसरी स्ट्रॉन्ग है, है।, है। क्यों है वो मैं समझाता हूँ दो चीजें ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स बिजनेस है वो तीस से ज्यादा की दर से बढ़ने वाला दो जाते इंडस्ट्री तीस से बढ़ रही है तो ये कंपनी तो उनको आउट परफॉर्म करनी करनी है इसमें कोई डाउट नहीं है दूसरी चीज जो है कि ये बिजनेस एक तरह से प्रूफ है। ज्यादातर इनके क्लाइंट्स आईटी आई कंपनियां हैं और अमेरिका की आईटी कंपनियां अब आप कहेंगे कि आईटी कंपनियों का तो हाल खराब है जी। है ना हाँ। आ, आ, बुरा हाल है चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो लेकिन जब जब आईटी कंपनियों की हाल खराब होगी तब इनकी याद ज्यादा आएगी क्यों? क्योंकि यही वो कंपनी है जो आपको कॉस्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइज कंट्रोल करने के लिए तो किस तरह से आप हम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं तो आईटी में तेजी हो तो फायदा मंदी हो तो फायदा तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई एक आध क्वार्टर में ऊपर नीचे हो जाए कोई जो ऑर्डर है या डील्स है वो कम ज्यादा मिले बट लॉन्गर रन में इनको दोनों ही सिचुएशन में फायदा है तो आई ये रेसिशन प्रूफ कंपनी है बहुत बढ़िया टॉप क्लास मैनेजमेंट है एक सौ में इशू आया था इसका दीप नवंबर 2021 में लिस्ट हुआ था हाई सात सौ पचपन रुपये का इस इस ने बनाया हुआ है अब 400 के आसपास लो इसका तीन सौ के आसपास का है मेरा यह मानना है आपको कम से कम एक से तीन साल के व्यू से इसको खरीद के रखना चाहिए टारगेट जो आपके लिए बनेंगे छह और सात के दो छोटे टारगेट हैं और उसके बाद नौ सौ तक के टारगेट के लिए आपको इस स्टॉक को ये स्टॉक ऐसा है जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए एक ही इसमें कमी है वो मैं बता दूँ इस वक्त 54 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है तो वैल्यूशन के लिहाज से सस्ता नहीं है लेकिन वैल्यूशन और ग्रोथ को साथ में मिला के देखेंगे और तीन साल के आगे की अगर आप अर्निंग्स को देखेंगे तो आपको महंगा नहीं लगेगा नहीं। तो इसलिए वैल्यूशन अगर महंगा है तो फिर आपके पास एक ही तरीका है आप आराम से डिप में खरीदिए जब भी दस दस की इसमें कमी आए स्टॉक अगर करेक्ट हो और एड कर लीजिए इंकॉर्टेक्ट इसमें आप बिजनेस और प्रमोटर्स को लेकर गलत नहीं जा सकते अगर कहीं गलत जाएंगे तो वेल्यूशन को लेकर क्योंकि कभी मिड कैप स्मॉल कैप करेक्ट करे तो पचास साठ सत्तर के मल्टीपल वाले स्टॉक थोड़े करेक्ट होते, वो, होते हैं वो नेचुरली है। तो आप आराम से खरीदे हड़बड़ी बने लेकिन व्यू बनाए तीन साल के लिए मुझे स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना है बिल्कुल और बढ़िया रिटर्न से डबल से भी ज्यादा के रिटर्न्स की बात कर रहे हैं जी। और रिव्यू करेंगे ना उसमें क्या आगे और रिव्यू करेंगे, करेंगे। कभी हमने मैप में इंडिया और एमटा टेक्नोलॉजी में, में जिस तरह का हमारा कॉन्फिडेंस था वैसा कॉन्फिडेंस इस बिजनेस और प्रोमोटर में हमारा ओके